Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some theorem on Laplace transform. So let's start the video. So linearly property of the Laplace transform. तो लीनियरली प्रॉपर्टी के ऊपर एक थ्योरम है, वो ये है, सपोज एफ एस एंड जी एस आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड जी टी. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड जी टी, जो एफ एस है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का, और जी एस जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जी टी का. मीन्स ये एफ एस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको हम इस ब्रैकेट में यूज़ करें, एंड जी एस इज लाप्लास ऑफ जी टी रिस्पेक्टिवली. देन वी हैव टू शो दैट एल लाप्लास ऑफ ए ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ एफ टी इक्वल टू ए लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी. तो दिस इज द लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से. ये हमें गिवन है, गिवन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ जी टी. इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन एंड टू. अब हम इसके लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं. तो लाप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी, तो अगर हम लाप्लास निकालेंगे तो डेफिनेशन से हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी होता है 0 टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, एंड हियर एफ टी इज ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी. सो दिस ऑल इज एफ टी हियर एंड दिस इज अ डी टी. क्लियर? तो आई यूजिंग द बेसिक डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी ऑफ एफ टी डी टी. अब इसको हम थोड़ा अगर सेपरेट करें तो लिख सकते हैं ए 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी एंड प्लस बी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी ए. अब ये क्या है, ये एक तरह से लाप्लास ऑफ एफ टी को शो कर रहा है, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी और डी टी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी. उसी तरीके से जो ये पोर्शन है पूरा वो लाप्लास ऑफ जी टी को शो कर रहा है, लाप्लास ऑफ जी टी. तो यही तो है जो हमें प्रूफ करना था. सो दिस इज द लाप्लास ऑफ ए ऑफ एफ टी प्लस बी जी ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल ए लाप्लास ऑफ एफ टी एंड दिस इज द दिस प्रूव द थ्योरम. सो दिस इज द लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. क्लियर? Now I will discuss the first shifting theorem. So this is the shifting theorem. So, shifting properties or theorem of the Laplace transform. Or first shifting theorem kuch is tarah se hai. If L of f t, that is Laplace of f t, is equal to f of s, then Laplace of e to the power a t into f of t is equal to f ऑफ s माइनस a. तो चूँकि s में कुछ माइनस होता है इसीलिए हम इसे शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं. यहाँ क्या है, f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, देन l ऑफ e लाप्लास ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s माइनस a.
तो इसको हम प्रूफ करेंगे. गिवन है, गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस. सो एल ऑफ दिस कैन बी रिटन एज अ बाई डेफिनेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर ए टी एंड e टू द पावर माइनस एस टी, और वी कैन से e टू द पावर माइनस एस टी. हम इसको क्रम से लिखना चाह रहे हैं, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी एंड डी टी. क्लियर? कुछ नहीं हुआ, ये सारा यहाँ पे एफ ऑफ टी की तरह है. तो लाप्लास को जब हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह होता है, वो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और ये जो पूरा टर्म है वो एफ टी की तरह जो यहाँ पे है. क्लियर? हमारा फार्मूला जो होता है वो ऐसे ही है, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी और डी टी. सो सिंपल, एफ टी एफ टी here this and this, so this I can write as a e to the power minus of s minus a t f t and d t. clear? now I put here s minus a equal to u, so this will give here a is a arbitrary constant. So okay, so this becomes s minus a and dt, so equal to 0 to infinite e to the power minus, this is ut into f of t and dt. क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस यू टी एफ ऑफ टी डी टी. तो अगर यहाँ पे s होता है, जैसे यहाँ अगर हम यहाँ पे माइनस एस टी यूज करते हैं, जो हमारा डिफिनीशन है उसमें हम क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ s. और ये यस कहाँ से आता है, वो यस यहीं से आता है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी. ये है फॉर्मूला. तो ये यस यहाँ होता है, यहाँ पे वही चीज़ u है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा f ऑफ u. तो ये देगा f ऑफ u एंड u इज व्हाट, s माइनस a. सो दिस इज f s माइनस ए. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. दिस इज इक्वल टू एल ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी. लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए. ये फार्मूला काफ़ी जगह यूज़ होता है जहाँ हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का हो. मान लीजिए कुछ इस तरह का, e टू द पावर टू टी एंड कॉस टी, इस तरह से. तो ऐसे जगह पे हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं. सिंपली हम एफ टी को निकाल लेंगे पहले, एफ टी की जगह पे कॉस टी है और ये इसके जैसा. तो इस फार्मूले का काफ़ी यूज़ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम. सो दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम. इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड एच ऑफ टी, दिस इज अनदर फंक्शन, एच ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, एंड दिस इज एंड एच टी इक्वल जीरो व्हेन टी लेस देन ए. तो हमें दो चीज़ गिवन है, एक तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस एंड एच टी इक्वल दिस मच.
then L of f t h t, then L of s t is equal to e to the power minus a s f of s. तो सेकेंड शिफ्टिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन एक तरह का गिवन हो, एक h ऑफ t जैसा हो और एक f ऑफ t के जैसा, तो हम इसको यूज़ करते हैं. तो आइए इसे प्रूफ करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से. तो L ऑफ एच टी इक्वल टू माई बाई डेफिनेशन सो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी एंड dt. क्लियर, सिंपल बाय डेफिनेशन. यहाँ एफ टी होता है तो यहाँ एफ टी होता है, यहाँ एच टी है तो यहाँ पर एच टी. अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो टी का फंक्शन पता चला है एस टी का, वो टी ग्रेटर देन ए पे है और एक टी लेस देन ए पे. तो हम डिवाइड करेंगे इसको एक बार 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी टू एच ऑफ टी डी टी. अब 0 टू ए टू द पावर माइनस एस टी एच टी, इस केस में एस टी हमारा 0 है. क्लियर, टी जब ए तक हम ले रहे हैं तो उस समय एस टी का मान 0 है. तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा हमारा दूसरा टर्म. तो 0 प्लस 0 टू इनफाइनाइट ए टू इनफाइनाइट, दिस इज ए ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी. एंड एच टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए. क्लियर, ए से इनफाइनाइट टी ग्रेटर देन ए के लिए जो एस टी का मान है वो क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए. सो दिस इज एस टी एंड डी टी. क्लियर, अब हम क्या करेंगे इसको लाप्लास के फॉर्म में बनाने के लिए. सबसे पहले हम टी माइनस ए को कुछ सपोज करेंगे. तो सपोज करिए कि टी माइनस ए इक्वल टू यू. तो टी माइनस ए इक्वल यू लेट, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस ए की जगह यू हो जाएगा और इस टी की जगह यू प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे. तो हम ऊपर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L ऑफ एच टी इक्वल दिस इज क्या है, ए टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस s और t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, u प्लस a या a प्लस u इंटू एफ ऑफ यू और डी यू. डी यू नहीं होगा बल्कि ये सिंपली इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. या सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं डी यू. और जो लिमिट है हमारा, अगर हम टी की जगह ए पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. क्लियर, जब लिमिट यहाँ चेंज होगी, जब t को हम a पुट करेंगे तो u का मान 0, सो दिस बिकम्स 0. और जब हम t को इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट माइनस a इज ऑलवेज इनफाइनाइट, सो 0 टू इनफाइनाइट. सो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस s a इंटू e टू द पावर माइनस s u इंटू f u du. क्लियर, अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, इस टर्म को हम बाहर कर लें क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा डी यू के रिस्पेक्ट में है. ई टू द पावर माइनस ए एस 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू एंड डी यू. क्लियर, तो कुछ नहीं था यहाँ तक, हम थोड़ा दोहरा देते हैं. लाप्लास ऑफ एस टी हमने लिया था, ये लिखा था हमने बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन. एंड देन
जीरो टू इनफाइनाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, जीरो टू ए और ए टू इनफाइनाइट। उसके बाद यहाँ एच टी की वैल्यू जीरो थी इसलिए ये पूरा फंक्शन ज़ीरो हो गया, और सेकेंड टर्म यहाँ था, फिर हमने टी माइनस ए को यू पुट किया था। e टू द पावर माइनस एस, और इसे ध्यान से देखिए, जब यहाँ t होता है तो सेम ही होता है, तो चाहे तो हम सारी चीज़ों को चेंज कर दें या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो या तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लें, हम ऐसा लिख सकते हैं dt, हम केवल रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसिंग u बाई t। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हमारा फार्मूला कुछ इस तरह का होता है इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, इस तरह से चेंज कर दे रहे हैं। एंड दिस इज एल ऑफ एफ टी, क्लियर? सो दिस प्रूव द सेकेंड पार्ट। सो दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान था ये और अच्छे से बताया गया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर थ्योरम है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन बाई ए एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ पे स्केल के थ्रू चेंज हो रहा है, यहाँ स्केल फैक्टर है हमारा स्मॉल ए, तो इसको स्केल को हम कैसे चेंज करेंगे उसके लिए ये थ्योरम है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, एंड देन वी हैव टू शो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन बाई ए एफ एस वाई ए। क्लियर? सो आई स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, सो एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू बाई डेफिनेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, एंड दिस इज एफ ऑफ ए टी और डी टी। तो फिर से हम अपने डेफिनेशन पे जाएंगे, जो डेफिनेशन है हमारा वो इस फॉर्म में होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर? तो जहाँ एफ टी होता है और यहाँ भी एफ टी होता है, तो हम अगर इसको कुछ इस फॉर्म को हम कुछ मान लें तो ये इसी तरह का हो जाएगा। तो सपोज़ करिए कि ए टी इक्वल टू यू, अगर हम मान लें लेट ए टी इक्वल टू यू, तो क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल हो जाएगा यू बाई ए, क्लियर? एंड डी टी इक्वल वन बाई ए डी यू, क्लियर? सो दिस आई पुट हियर, वी गेट एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल, this is 0 to infinite e to the power minus st, and f of at, at is u, so this becomes f of u, and dt is 1 by a du, and this t becomes u by a। yahan pe hum likh sakte hain u upon a, clear? so fu and
this is f u, and dt equal 1 by a du. So 1 by a or du. तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 1 बाई ए हमारा बाहर आ जाएगा और ये 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस s बाई ए यू एंड f u du, क्लियर। अब ये हमारा उसी तरह से लग रहा है सेम जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन होता है, 1 बाई ए 0 टू इन्फाइनाइट माइनस s बाई ए, तो अगर हम इसको t से रिप्लेस कर दें u को, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सिंपली हमने u को t से रिप्लेस कर दिया, क्लियर। अब ये एक तरह से क्या लग रहा है, 1 बाई ए, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एस बाई ए। सो दिस क्लियर, बाई यूजिंग डिफिनीशन, बाई यूजिंग डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर, तो काफ़ी आसान था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है स्केल प्रॉपर्टी करके, या फिर वो थ्योरम की तरह लिखा होगा और डायरेक्ट उसे सॉल्व करना होगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमने सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ा, उसके बाद हमने बताया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड लाप्लास ऑफ 2e4t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5 साइन 60 प्लस 2 कॉस टी। तो यहाँ पे हमें कई सारे फंक्शन एक साथ दिख रहे हैं, जैसे हमने लाप्लास की प्रॉपर्टी में देखा था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो कुछ ऐसा था a ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी इज इक्वल टू, सो बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी, दिस इज इक्वल टू ए लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ऑफ जी टी, ऐसा। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कई सारे फंक्शन हैं, यहाँ जो ये जो है वो ए की तरह है आर्बिटेरी कांस्टेंट, बी वगैरह आर्बिटेरी कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ये सारे आर्बिटेरी कांस्टेंट हैं, क्लियर। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ 2e4t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5 साइन 60 प्लस 2 कॉस 2t, क्लियर। तो इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा एक साथ था, फिर हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो हम उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, 2 लाप्लास ऑफ e4t प्लस 3 लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 लाप्लास ऑफ साइन 60 एंड देन 2 लाप्लास ऑफ कॉस 2t, क्लियर। और हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ऑफ e4t वो किसके बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा था, तो वो हो जाएगा s माइनस 4, क्लियर। प्लस 3,
और टी स्क्वायर का क्या होगा, इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, वो कुछ था एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ क्या हो जाएगा, टू का फैक्टोरियल, यहाँ पे टू है तो टू का फैक्टोरियल और अपॉन में एस थ्री। क्लियर? सो दिस टू जो दो का फैक्टोरियल है वो टू इंटू वन हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस फाइव साइन ऑफ 60, इसका मान क्या होगा, तो हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया गया था कि लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से एल कॉस ऑफ 80 इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ए का मान क्या है, 6 है, तो 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, दिस इज ए स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर एंड देन द 2 एंड लाप्लास ऑफ कॉस 2t इज यस, सो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एस स्क्वायर प्लस 36। क्लियर? इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, 2 अपॉन एस माइनस 4 प्लस 6 अपॉन एस क्यू माइनस 30 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। तो ये रहा इसका सलूशन। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके पहले वाला वीडियो पढ़ाया गया उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहीं पे हमने इन सभी चीज़ों को कराया था, इसके लिए फार्मूला था, इसके लिए फार्मूला था, इसके लिए था और इसके लिए, इन सभी के लिए फार्मूला पहले से बताया गया है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे सेकंड शिफ्टिंग के ऊपर। ये है प्रॉब्लम ऑन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी माइनस पाई बाई टू व्हेन टी ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड एफ टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज लेस देन पाई बाई टू। सो द क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है, हमें ये फाइंड करना है, गिवन है हमें इस तरह से, और यूज करना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को। तो सबसे पहले तो हम लिख लें कि फ्रॉम, यू नो दैट फ्रॉम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने किया था, वहाँ पे था कि एच ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए, और यहाँ पे कुछ था टी ग्रेटर देन ए एंड ये ज़ीरो था और टी लेस देन ए था, जो हमने अभी प्रूव कराया फ्रॉम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, जहाँ एफ टी है वहाँ पे एफ टी है, यहाँ एच टी था यहाँ पे एफ टी है, और इधर का नेचर सेम कुछ वैसा ही है एफ ऑफ टी माइनस ए। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि टी माइनस है और यहाँ टी माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे क्या है कि ए का मान है पाई बाई टू, क्वेश्चन से फ्रॉम क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि जो ए का मान है वो पाई बाई टू है, और यहाँ पे एफ टी हमें निकालना है और वो एफ टी है कॉस टी माइनस पाई बाई टू। तो सबसे पहले हम एफ टी निकाल लें क्वेश्चन से, तो एफ टी को हम लिख सकते हैं एफ टी जो है वो यहाँ पे कॉस ऑफ टी है। और सबसे पहले हम ये बता दें एच ऑफ टी, और ये जब हमने लिया था सेकंड शिफ्टिंग में तो हमें क्या मिला था, लाप्लास ऑफ एच टी इक्वल टू क्या था, e टू द पावर माइनस ए एस और एफ ऑफ एस था। क्लियर?
क्लियर? इसको चेक कर लीजिएगा, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। तो एच ऑफ एफ टी, एच ऑफ टी के लिए उसी तरीके से हमें यहाँ एल ऑफ एफ टी निकालना है, ये निकालना है। और यहाँ एफ टी वही काम कर रहा है जो वहाँ एच टी कर रहा था। तो अगर हम एक बार एच टी निकाल लें तो हम उसका लाप्लास निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो एच टी को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो वो एफ टी इक्वल कॉस टी। तो इसका जब हम लाप्लास निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका लाप्लास होगा एल ऑफ एफ टी का लाप्लास ऑफ कॉस टी, और ये होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये पहले वीडियो में देख सकते हैं कॉस ऑफ ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। यहाँ ए के स्थान पे वन है इसलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये वहीं से है। एल ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू वन है इसलिए एस स्क्वायर प्लस वन। क्लियर? सो दिस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमें फॉल्ट लग रहा है, एफ टी यहाँ पे है तो हमें यहाँ एच टी बताना है। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, एच ऑफ टी हमें निकालना होगा। ठीक है, जो शिफ्टिंग हमारा था वहाँ पे हमें ये गिवन था एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये गिवन था। देन एंड ये भी था, साथ में ये भी गिवन था, तो हमें ये लाना था। देन लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू ये था पूरा। क्लियर? जो फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम था वो ये था, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। तो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड एच ऑफ टी इक्वल टू दिस मच, देन द लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ क्वेश्चन में, प्रॉब्लम था यहाँ पे लाप्लास ऑफ एस टी होगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिला, ये एक तरह से एल ऑफ एफ टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। तो ये मिल गया हमें एस स्क्वायर प्लस वन। अब हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो एच टी है वो एफ टी के बराबर है उस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे एफ टी होता है और यहाँ पे एच टी था। तो अगर हम लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ एच टी को हम क्या लिखते हैं, यही चीज़ लिखते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सो लाप्लास ऑफ एच टी इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। क्लियर? सीधे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से एफ एस हमने पहले निकाल लिया है इसके आधार पे एफ टी इक्वल टू कॉस टी से, क्योंकि ये एफ टी इक्वल कॉस टी ही था विथ कंडीशन ऐसा था कि जब टी ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा तो कॉस टी माइनस पाई बाई टू होगा, जब टी लेस देन पाई बाई टू होगा तो ज़ीरो होगा। तो e टू द पावर माइनस ए एस, और a यहाँ पे क्या है, a हमारा यहाँ पे क्या है पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू और ये हो जाएगा s, और f ऑफ s हमारा क्या आया, ये है s अपॉन s स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा कायदे से लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ h ऑफ t इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू ई टू द पावर माइनस फाइव बाई टू और एस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो एफ टी होगा उसका लाप्लास निकाल लेंगे, उससे हमें एफ एस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसी एफ एस को हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। जो ये वैल्यू है ई टू द पावर माइनस ए एस, वो ए हमें यहाँ से मिल जाएगा, यही हमारा ए है।
तो ये काफ़ी आसान है। तो आई होप कि ये सारा कुछ समझ में आया होगा जो कुछ हमने आज बताया, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।